का मोटू पतलू कहाँ है? पुरपुरी नगर में सोने की स्मगलिंग हो रही है। मैंने उन्हें पॉइंट में बताया था और उन्हें यहाँ बुलाया था। ओ, हम उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं चिंगम सर, आओ चाय पियो। हाँ इंस्पेक्टर, कैन यू हेल्प मी? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आई एम टॉम और यह है मेरी वाइफ चेरी। हमें फुरफुरी नगर में घूमना है, क्या आप हमें यहाँ की अच्छी अच्छी जगहें बता सकते हैं? Why not? सबसे अच्छी जगह है। नहीं। हमारे फार्म हाउस में एक बैल है। जब वो किसी रेड कलर के कपड़े पहने लोगों के पीछे भागता था तो मेरा नॉटी भी भागता था। बस तभी से इसे आदत पड़ गई, रेड कलर देखा ना कि बड़ा चाहता है। Hey man, run, naughty, stop. मोटू रन, वो रेड कलर देख के भड़कता है, तुम्हारा कुर्ता रेड है। मोटू और तेज भागो, वो काटेगा तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? उसने मेरे पीछे काटा। उसने काट के मेरा बुरा हाल कर दिया और आप खुद उस बोरवेल में गिर गया। मोटू उसे जल्दी निकालो, ये वेल इतना छोटा है कि हम उसके अंदर नहीं जा सकते, कुछ आइडिया करना होगा। आइडिया, एक रस्सी में हड्डी बांध के नीचे फेंको, वो हड्डी पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं और हम उसे ऊपर खींच लेंगे। इसे नीचे डालते हैं, वो हड्डी पकड़ेगा, फिर ऊपर खींचते हैं, वो ऊपर आ जाएगा। अरे ये आइडिया तो काम नहीं आया, कुछ और करना होगा। मोटू कुछ करो, अंधेरा होने से पहले हमें उसे निकालना ही होगा, वरना उसे रात भर नीचे रहना पड़ेगा। नो, प्लीज नो, उसे रात भर अंदर रहने के लिए मत छोड़ो, प्लीज। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो।
आइडिया। डॉक्टर झटका, क्या आप कोई बड़ा वैक्यूम क्लीनर ला सकते हैं? हम उसे नीचे से सक करके बाहर निकाल लेंगे। अभी ले आओ। लाओ इसका पाइप मुझे दो और पतलू तुम वैक्यूम ऑन करो। आप लोग पीछे हट जाओ प्लीज। बोरवेल के बगल में ऐसा ही गहरा गड्ढा खोद के नीचे से पैरेलल सुरंग बना के उसे निकाल लेंगे। पता नहीं मेरा नोटी किस हाल में होगा, अब तो वो रो भी नहीं रहा। मोटू सब ठीक है ना? सब ठीक है। कमाल है यार, जिसमें नोटी गिरा है वो सूखा कुआ है और उसके बगल में इतना पानी भरा है। अरे हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम दूसरे डायरेक्शन से गड्ढा खोदेंगे, उस तरफ सूखा ही होगा। आजा बेटा आजा, आजा आजा आजा, नोटी बेटा नोटी। खींचो, ऊपर खींचो। अरे मुझे बाहर आने दो, वो अपनी फेवरेट जगह पे ही मिलेगा। चलो भागो यहाँ से, नोटी पता नहीं क्यों मेरी पोटी के पीछे ही पड़ा है। थैंक यू मोटू, थैंक यू। नोटी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, भागो। नदियों के रास्ते होगी, चिंगम और मोटू पतलू को कोई खबर ना होगी। वाह बॉस वाह, कविता तो अच्छी है, लेकिन लगता है मोटू पतलू को खबर हो गई है। सोने की स्मगलिंग नदी के रास्ते से हो रही है और चिंगम सर सड़कों पे नाकाबंदी कर करके थक गए। तुम लोगों को मेरे हार चोरी की खबर पहले कैसे दिख जाती है, कैसे दिख जाती है? ये कौन सी विद्या है, ज्योतिष विद्या है क्या? बताओ बताओ। मोटू का लाल कुर्ता पहन लोगे तो सब दिखेगा, पूरा फ्यूचर दिखेगा। जल्दी लाओ ये लाल कुर्ता, अभी पहन लेता हूँ। मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। फ्यूचर तुम्हारे पीछे गुर्रा रहा है, वो देखो। ये कैसा फ्यूचर है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नंबर वन टू, अरे कोई तो बचाओ। लोगों को काट काट के कितना परेशान हो गया है।
चिंगम सर, जॉन सोने के स्मगलिंग नदी के रास्ते कर रहा था, ये लीजिए आपका मुजरिम। मोटू पतलू, हम तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाएंगे। मोटू पतलू थैंक यू, मेरे नोटी को सही सलामत वापस लाने के लिए हम जा रहे हैं, इससे पहले कि ये किसी और पे हमला करे। वो तुम्हें सॉरी और थैंक यू एक साथ कह रहा है।